ओम शांति। आज एक और सत्य घटना, खूबसूरत अनुभव का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले दिए गए वीडियो को अपना बहुत प्यार दिया। उसे देखते हुए आज हम आपके सामने एक और बहुत ही अच्छी और प्यारी, बाबा के प्यार से भरपूर एक सत्य घटना लेकर आए हैं। ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपके पास भी अपना कोई अनुभव है तो आप हमसे बांट सकते हैं। तो आइए आज इस बहन का अनुभव सुने। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके आंखों से प्रेम के अश्रु स्वतः ही निकलने लगेंगे। बाबा का ऐसा प्यार, ऐसा चमत्कार, ऐसा दिव्य अनुभव पहले शायद ही किसी ने अनुभव किया होगा। यह सत्य घटना दिल्ली के एक युगल की है जो बाबा के ज्ञान मार्ग पर चलते थे। एक माता जिनका बाबा से अटूट प्रेम था, हर सांस में बस वो बाबा को ही याद करती रहती थी। बाबा पर अटूट निश्चय था उनका, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो और उनके युगल दोनों ही बाबा को मानने वाले थे और उन दोनों ने ही अपना सारा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन दोनों ने बाबा को अपने संतान के रूप में मान लिया था और वह दोनों बाबा से वैसे ही प्रेम करने लगे जैसे कोई युगल अपने छोटे बच्चे से करता है। वह माता जहाँ भी जाती, हर पल हर समय अपने साथ अपने शिव बच्चे को लेकर जाती थी और कहती, मेरा शिव बच्चा मेरे साथ है। उन्होंने बाबा को बिल्कुल अपने बच्चे के रूप में ही मान लिया था। वैसे तो उन दोनों को ही बाबा के ऊपर पूरा निश्चय था, लेकिन माता को अपने बच्चे पर कुछ ज़्यादा ही लाड़ था, कुछ ज़्यादा ही निश्चय था। माता हमेशा प्यार से शिव बाबा के लिए कहा करती थी, ये मेरा होनहार बच्चा है, ये मेरा बहुत ही लायक बच्चा है, ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोज़ खुद खाने से पहले बाबा को यानी अपने शिव बच्चे को भोग लगाया करती, उनसे घंटों बातें किया करती। इतना अटूट विश्वास था माता को अपने प्यारे शिव बच्चे पर। इतना ही नहीं, माता अपने हर छोटे बड़े काम में अपने शिव बच्चे को अपने साथ रखती, अपने सभी काम अपने शिव बच्चे के साथ ही करती। जब भी वो कोई काम करती तो सबसे पहले कहती, शिव बेटा ये काम कर लो, शिव बेटा वो काम कर लो, और उनके हर काम चुटकी बजाते ही हो जाते। ये बात माता ने स्वयं बताई है। उन्हें हर पल ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनका शिव बच्चा उनके आसपास ही रहता है। एक दिन माता के पास वाले सेंटर से सभी भाई बहन आबू जा रहे थे। माता के मन में भी निश्चय आया कि मुझे भी आबू जाना है। उन्होंने अपने युगल से कहा कि मैं आबू जाना चाहती हूँ। युगल ने कहा कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी तबीयत ढीली सी रहती है, एक बार मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ फिर तुम चली जाना। लेकिन माता के मन में तो जैसे निश्चय हो गया था कि मुझे आबू जाना ही है। भाई ने कहा, मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊँ फिर तुम चली जाना, तुम्हारे जाने के बाद कहीं मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। माता ने कहा, अरे आप अकेले कहाँ हो, अपना शिव बेटा है ना आपके साथ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा रही, शिव बेटा रहेगा आपके पास, ये अपना शिव बेटा आपका पूरा ख्याल रखेगा। इतना निश्चय था माता को अपने शिव बेटे पर। अगर आपको बाबा पर इतना निश्चय हो तो बाबा कैसे अपने आप को आपसे प्यार करने से रोक सकते हैं। भाई ने फिर कहा, मत जाओ, थोड़े दिन के बाद चली जाना, मैं तुम्हें रोक थोड़े ही रहा हूँ, बस अभी मत जाओ। लेकिन माता का निश्चय अड़िग था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी संशय ना करें, शिव बच्चा है ना, वो आपका ख्याल रखेगा, तब तक मैं माउंट आबू हो आऊँगी। और अगले दिन माता आबू के लिए निकल गई।
अभी माता को गए 3-4 घंटे ही हुए होंगे कि अचानक उनके युगल को हार्ट अटैक पड़ गया। उसी दिन दिल्ली में दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों का कोई आयोजन हो रहा था। विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर उस प्रोग्राम में आए हुए थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर जिन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, पहले तो ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन कई डॉक्टरों के आग्रह करने पर वो आने को तैयार हो गए। प्लेन से उतरने के बाद उन डॉक्टर साहब को एक गाड़ी लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठे और उस जगह चल दिए जहां ये प्रोग्राम होना था। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी कि अचानक एक ऐसा मोहल्ला दिखाई दिया जिसमें एक छोटी सी गली अंदर की तरफ जा रही थी। डॉक्टर दिल्ली के ही रहने वाले थे जो इन दिनों कहीं और रहकर प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्टर साहब को अपने बचपन के दिनों की याद आ गई जब वो और उनके कुछ दोस्त उसी गली में खेला करते थे। बचपन में बहुत मज़े किया करते थे। डॉक्टर साहब ने झट से ड्राइवर से कहा, रुको जरा इस गली में गाड़ी को मोड़ लो। अचानक डॉक्टर साहब को ये प्रेरणा कहाँ से आई, कैसे आई? शिव बाबा ने दिलाई थी। अब देखिए आगे ये प्यारा शिव बेटा क्या करने वाला था। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली और उस गली की तरफ ले चला। आप जानते हैं कि उस डॉक्टर का बचपन का साथी कौन था? माता का वही युगल जिसे हार्ट अटैक हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर उसी माता के घर के आगे रोक दी। माता के पति, जो उस डॉक्टर के बचपन के साथी थे, बचपन के फ्रेंड थे, वो तो बेहोश पड़े थे क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने जैसे ही अंदर जाकर अपने दोस्त की यह स्थिति देखी, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने झट से एम्बुलेंस को कॉल किया और पलक झपकते ही 10 मिनट में एम्बुलेंस घर के आगे आकर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, उस एम्बुलेंस में 15 विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भी साथ आए थे, क्योंकि जिस डॉक्टर ने एम्बुलेंस मंगवाई थी वो अपने आप में इस विश्व के बहुत ही नामी डॉक्टर थे। अब आप देखिए विश्व के इतने बड़े बड़े डॉक्टर कैसे उन माता के घर पर बिन बुलाए झटपट पहुंच गए जब उनकी इतनी ज़रूरत थी। एम्बुलेंस में झट से भाई को रखा गया, स्ट्रेचर खुद उनके दोस्त ने उठाया। हॉस्पिटल में पहुंचकर उनका बहुत ही अच्छा इलाज चलने लगा और भाई बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। 5 दिन तक भाई का हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो उनके साथ 2 नर्स उनके घर पर दी गईं ताकि वह उनका ख्याल रख सकें। भाई अपने आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि तभी माता आई। माता को देखते ही भाई अपनी चेयर से खड़े हो गए और माता को जोरदार सल्यूट किया। आंखों में अश्रू लिए भाई बस माता को देखकर रोए जा रहे थे। माता ने कहा, अरे आपको क्या हो गया? भाई ने कहा, मान गए तेरे शिव बेटे को, मान गए। अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो शायद इतना नहीं करता जो तेरे शिव बेटे ने कर दिखाया। फिर भाई ने सारी बात माता को बताई। भाई ने कहा, अगर मेरा खुद का भी बेटा होता तो शायद इतनी सेवा कभी नहीं करता जो तेरे प्यारे शिव बेटे ने मेरी की है, क्योंकि माता तो दिल से बाबा को अपना बेटा ही मानती थी ना। आया ना मदद करने? वो आता है, बस उसे दिल से पुकारो वो झट से चला आता है। खुद नहीं आता क्योंकि वो तो निराकार है ना, बस किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, बस आपके पास वो चला आता है। किसी ना किसी के जरिए वो आपकी मदद बस कर जाता है। भाई ने कहा, आज से वो सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं, मेरा भी बेटा है, मेरा प्यारा लाडला शिव बेटा। आप केवल दिल की प्रीत रखिए और वो निभाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। बस उस पर अटूट विश्वास रखिए, अपने आप को पूर्णतः उन पर सौंप दीजिए, फिर देखिए बाबा क्या नहीं करता। बाबा के साथ अपना कोई भी रिश्ता जोड़ लीजिए। ऐसी प्रीत की रीत आपने कभी नहीं देखी होगी जो बाबा आपके साथ निभाएगा। बाबा के साथ कोई एक अपना संबंध जोड़ लीजिए और फिर बाबा आपके साथ वो संबंध
पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो ये था आज की हमारी एक माता का सत्य अनुभव। अगर आपके पास भी अपने कोई अनुभव हों और जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो औरों को भी शेयर करें, लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति, ओम शांति। नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।